आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट पार्ट 8% ऑफ 125, सेकंड 0.25% ऑफ 16। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि 125 की 8% क्या होगा और सेकंड पार्ट में 16 का 0.25% कितना होगा। तो हमने सबसे पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट, 8% ऑफ 125 यानी कि 125 का 8% कितना होगा। तो अगर हमें किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और जब हमने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है यानी परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो हम क्या लिखेंगे, 8 परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो डिवाइड क्या होगा, 100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई बाय इससे 125। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 100 को 2 के टेबल के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 125। फिर से हम 4 और 50 को 2 के टेबल साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 25 और 125 को हम किसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25। और हमें पता है 5 5 25, तो फिर से 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा कितना होता है 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, 0.25% ऑफ 16। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, 16% का 0.25% कितना होगा। तो 0.25% हटाएंगे तो हमारा डिवाइड में क्या होगा, 100 ऑफ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 16 हमारा एज इट इज। तो अब यहाँ क्या है, 0.25, तो पॉइंट हटाएंगे जब हम, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक और 100। तो 25 डिवाइडेड बाय, जो पॉइंट हटाया था हमने कितने डिजिट से पॉइंट के बाद, 1 2, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमारा पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय 16। तो हम 25 और 100 को किसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल के साथ, तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब 5 4 20, फिर से 5 के टेबल के साथ सिंप्लीफाई करेंगे कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। और हमें पता है 4 4 16, तो 4 के टेबल साथ सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास डिवाइड में कितनी जीरोज हैं, 2, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2। तो एक हमारे पास है 4, एक हमने आगे लगा दी 0, तो पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 0.04। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।